देश की आधी से ज्यादा आबादी 2024 में अपने नेता राहुल गांधी को इस महान देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि देश की जनता की यही मांग है। देश के एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने एक सर्वे किया, जिसमें पूछा गया कि मोदी के खिलाफ विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कौन होना चाहिए, तो 65% से ज्यादा लोगों ने कहा राहुल गांधी। और अब तो बीजेपी की हालत यह है कि अमित शाह खुद रैलियों में पूछते घूम रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे या राहुल गांधी। तो जनता एक सुर में कह रही है राहुल गांधी। राहुल की इसी लोकप्रियता ने पूरी बीजेपी की नींद उड़ा दी है। ये भरोसा ऐसे ही नहीं बना, राहुल गांधी ने इसके लिए 4000 किलोमीटर यात्रा रूपी तपस्या की है। सर्दी, गर्मी, बारिश, बर्फबारी के बीच अपनों के साथ वक्त बिताया है, उनके दर्द में शिरकत की है, लोगों के आंसू पोंछे हैं, उन्हें गले लगाया है। तभी तो ये आवाम अब शिद्दत से चाहती है कि गांधी का ये देश अब राहुल गांधी की अगुवाई में तरक्की के नए आयाम छुए। जब पूरा देश नोटबंदी की लाइनों में लगा था, परेशान था, दिन दोपहरी एक कर रहा था, वो पहला व्यक्ति था जिसने मुखरता के साथ नोटबंदी का विरोध किया था। जब GST लगाकर देश की अर्थव्यवस्था के बुनियादी ढांचे को कमजोर किया जा रहा था, वो पहला व्यक्ति था जिसने छोटे दुकानदारों, छोटे व्यापारियों, छोटे उद्योगों के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी थी। GST जैसे बेलगाम टैक्स को गब्बर सिंह टैक्स कहा था। जब चीन में कोविड का खतरा बढ़ रहा था, प्रधानमंत्री मोदी फूड हार्ट में लिट्टी चोखा खा रहे थे, वो पहला शख्स था जिसने सरकार को भीषण त्रासदी के लिए तैयार रहने की हिदायत दी थी, देश को सतर्क रहने के लिए आगाह किया था, मास्क पहनने के लिए चेताया था। जब देश के ऊपर अनियमित लॉकडाउन थोपा गया, दिल्ली मुंबई में रहने वाले प्रवासी मजदूर अपने घरों की ओर पैदल लौटने लगे, उनका दर्द जानने, उनकी बातें सुनने दिल्ली के फुटपाथ पर बैठे राहुल गांधी को याद कीजिए। राहुल की छवि को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी झोंक दी, लाखों करोड़ों रुपया पानी की तरह बहा दिया, लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। वक्त का मिजाज यह है कि आज हर आंख राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनते देखने को बेताब है।